महाराष्ट्र स्टाइल मिर्ची पीनट चटनी देखेंगे। हमको कुछ पीनट चाहिए, मिर्ची चाहिए एंड कुछ लहसुन चाहिए। हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है तो हम इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे। हमारा ऑयल ऑलमोस्ट गर्म हो गया है तो इसमें हम मिर्ची पहले डाल देंगे एंड फ्राई कर लेंगे। मिर्ची ऑलमोस्ट हो गया है तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको तड़का लगाएंगे। तो अभी हम थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। अभी हम इसमें लहसुन डाल देंगे। तो हमारा हाफ फ्राई हो गया है तो इसमें हम अभी पीनट ऐड कर लेंगे। अभी ऑलमोस्ट डीप फ्राई हो गया है, इसको अभी ग्राइंडिंग कर लेंगे। यह अभी ग्राइंडिंग के लिए हमें ग्राइंडर में डाल दिया हूँ। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता मैं भी ले लिया हूँ। धनिया पत्ता डालने के बाद ये थोड़ा सा गीला हो जाएगा। आपको सूखा चाहिए तो आप एक बार फ्राई भी कर सकते हो ऑयल डाल के। आप इसको एक से ज़्यादा दिन खा सकते हो।